हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रा की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से बिछा कर रख लेंगे, फोल्ड कर बिछाना है। उसके बाद हम इस पर कटिंग रख कर निशान लगाएंगे। ये ब्रा की कटिंग है जो मैंने पहले से ही कट करके रखी थी। उसके बाद इसे हम इसमें मार्क लगा लेंगे। इस तरह से कटिंग को रखकर इस तरह से मार्क करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है इसकी। इस तरह भी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो चुकी है, अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से हम रखकर इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले इसे हम कोर के साइड में इसे स्टिच करना है। उसके बाद इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे हम उल्टी के तरफ स्टिच करेंगे। वो जो पहला स्टिच था वो था सीधा के तरफ। उसके बाद इसे हम पलट कर उल्टी के तरफ स्टिच कर रहे हैं। उसके बाद इसे ऊपर पे स्टिच कर लेना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये हो चुका है। उसके बाद इसमें इस तरफ हम इसे पट्टी लगाएंगे। इसे भी हमें उसी तरीके से सिलना है। पहले हम इसे सीधा के तरफ स्टिच करेंगे, उसके बाद इसे पलट कर उल्टा के तरफ हम इसे स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। इस पर भी उसी तरीके से हमें स्टिच लगाना है। ये हो चुका है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट भी इस तरह से रेडी कर लेना है। ये हो चुका है। उसके बाद दोनों को एक में मिलाकर स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमें स्टिच करना है। उसके बाद इसे भी हम पलट कर स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें इसे स्टिच करना है ताकि इसे अच्छा शेप आए। उसके बाद इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसका शेप इस तरह से कर कट कर लेंगे। उसके बाद इधर भी हम इस तरह फैब्रिक को कट कर देंगे। ये हो चुका है। उसके बाद इसे हम साइड में इसे मोड़ कर सिल लेंगे। इस तरह से पतली लेयर बनाकर हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। इस तरह से स्टिच करने के बाद इस तरह भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों तरफ स्टिच हो चुका है। उसके बाद नीचे हमें पट्टी लगाना है। उसके लिए कपड़े की लंबाई है 17 इंच। उसके बाद इसके बीच के साइड में हम रखकर दोनों तरफ स्टिच करेंगे। इस तरह से रखकर हमें इसकी स्टिच कर लेनी है। इसके बाद इस तरह फैब्रिक को कट कर लेंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह से मोड़ कर स्टिच लगाना है। इस तरह से हम इसे मोड़ लेंगे और स्टिच करेंगे। उसके बाद इसमें हम ये रबड़ लगा लेंगे। इस तरह से हमें इसे लगाना है। इस कपड़े के अंदर इसे कर कर हमें स्टिच लगानी है। इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद डोरी बनाने के लिए हम कपड़े को स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से इसे पलट कर हमें पतली डोरी बनाना है। तो ये हो चुका है, डोरी रेडी। उसके बाद इसमें हमें इस तरीके से अटैच कर कर स्टिच करना है। इस तरह से हम इसमें इसे स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ।
अगर आप भी इसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। उसके बाद इस तरह से मार्क का निशान लगाकर इसे हम इस तरीके से पलट कर लगाएंगे। दोनों तरफ हमें इसे लगाना है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे उसी तरीके से लगाना है कपड़े को रखकर। उसके बाद हम नीचे इस तरीके से मोड़ कर स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। उसके बाद इसमें हम लेस का यूज कर रही हूँ, इस तरीके से लेस लगाना है इसमें। अगर इसमें आप लेस लगाना चाहें तो भी ठीक, और नहीं लगाना चाहें तो भी ये देखने में अच्छा लगता है। मेरे पास लेस था इसलिए मैं इसमें लेस यूज कर रही हूँ। इसमें इस तरीके से लेस लगा लेना है। सबसे पहले बीच के साइड में लेस लगाना है, उसके बाद ऊपर के साइड में हम लेस लगाएंगे। इस तरीके से हमें लेस को इसमें लगा लेना है। इस तरीके से लेस लगाने के बाद, ये लेस लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। तो ये हो चुका है हमारा रेडी। आप लोग देख सकते हैं इसका शेप कितना अच्छा आया है। पीछे हमने इसमें हुक लगा दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप लोगों को इसे बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी।